बात करने वाले हैं Realme Narzo 50i Prime के बारे में। 10,000 रुपए के अंदर आपको बहुत सारे फोन मिलते हैं। Narzo ने बोला हम भी एक निकाल देते हैं अपना, और इस वाले फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस 8,000 रुपए होने वाली है। अभी हम लोग वीडियो लॉन्च से पहले बना रहे हैं तो प्राइस पता नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकेशन दिखा सकते हैं। सबसे पहले बात, Realme का फेवरेट प्रोसेसर है Uniasus T612। अब ये वाला प्रोसेसर आपको हमेशा 10,000 रुपए के अंदर मिलता है। दूसरा, 5,000 mAh की बैटरी मिलेगी और 6.5 इंच का HD+ वाला डिस्प्ले पैनल है, और अप टू 1 TB तक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो। ये है अपना Narzo 50i Prime। Realme के जितने फोन होते हैं उनका डिजाइन हमेशा अच्छा होता है। वैसे दो कलर में अवेलेबल है, डार्क ब्लू एंड मिंट। हमारे पास डार्क ब्लू कलर अवेलेबल है, और इसका जो ये क्रिस क्रॉस वाले लाइट फ्लेयर्स काफी सही से लग रहे हैं, और एक्चुअल में यहाँ पे एक टेक्सचर भी आप और सुनो, इसका मतलब रहता है कि इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन है भाई ये। वैसे मोबाइल पे कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे नहीं है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था। फोन के कुछ कागजात मिल जाएंगे, सिम एक्शन पिन मिल जाएगा, एक बार देख लेते हैं। ट्रिपल सिम स्लॉट मिल जाएगा, और ये एक 4G फोन है। राइट साइड में आपको पावर बटन मिल जाएगा और दो वॉल्यूम रॉकर्स हैं। बटन की क्वालिटी थोड़ी सी सॉफ्ट सी लग रही है। लेफ्ट साइड से प्लेन है। टॉप पे कोई भी आपको नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक नहीं मिलता है, लेकिन नीचे में आपको यहाँ पे माइक मिल जाएगा। 3.5 जैक, चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर मिल रहा है, और यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाएगा, 10 वॉट का चार्जर है। माइक्रो यूएसबी काफी पुराना हो चुका है, तो रियलमी को हमेशा टाइप सी देना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बजट फोन्स में आजकल सिर्फ माइक्रो यूएसबी आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ। क्योंकि 5,000 एमएच का फोन है, तो यहाँ पे चार्ज करने में ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। सो Narzo का ये वाला बजट फोन एक्चुअल में हम लोग ने अच्छे खासा यूज कर लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब आप फोन ऑन करने वाले हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो फोन में आपको कोई भी प्री अप्लाइड प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलने वाला, एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि पब्लिक नाम का एक एप्लीकेशन है। ऐप इंफॉर्मेशन में जाके आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है। और भी एप्लीकेशन है, जोश, मौज, शेयर चैट, और यहाँ पे डेली हंट, सबकी हंटिंग करते हैं दोस्तों, लेकिन जोश का जोश हटाने के लिए भाई लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, लेकिन आप सभी को हटा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और अबाउट फोन में आप देख सकते हो Realme इसके अंदर R एडिशन यूज कर रहा है। ये वाला सॉफ्टवेयर Realme अपने अल्ट्रा बजट फोन में यूज करता है, मतलब कि 8-9 हज़ार वाले में, तो इसकी प्राइसिंग आप जज कर सकते हो उसके हिसाब। और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 मिलने वाला है, बजट प्राइस में आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिस्टम यूज करने में काफी क्लीन सा लग रहा है। और Realme का जो बजट वाला UI है R एडिशन वाला, उसको यूज करने से बजट फोन्स में परफॉर्मेंस के इश्यूज कम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा वाले फीचर्स को हटा देते हैं। वैसे आपको थोड़ा बहुत जेस्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको लिफ्ट टू चेक फोन, स्मार्ट मोशन, पॉकेट मोड, स्मार्ट वेकअप, और डिस्प्ले के अंदर डार्क थीम मिल जाएगा। इसको आप ऑन करके डार्क मोड यूज कर सकते हो, और इसका डार्क मोड थोड़ा सा ग्रे टोन वाला है तो चलेगा। और उसी के साथ बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। एक 6.5 इंच की डिस्प्ले, लेकिन इसका डिस्प्ले में आप एंगल देख सकते हो, हल्का सा अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको कलर शिफ्ट हो रहा होगा। यहाँ से ब्राइट लग रहा है, यहाँ से देखो थोड़ा सा डार्क लगेगा। आउटडोर में बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, इसके अंदर 400 निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन आउटडोर में ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, और जो इसके व्यूइंग एंगल से वो भी बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, तो डिस्प्ले एवरेज कह सकता हूँ। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं है, बहुत अच्छा सैचुरेशन नहीं है, बस एक बेसिक डिस्प्ले मिलेगा आपको जिसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। 720p रेजोल्यूशन वाला HD+ का पैनल है। अब ये सेम पैनल, सेम सिंगल कैमरा वाला फोन और सेम डिजाइन वाला फोन Realme ने ऑलरेडी 2 बार लॉन्च कर दिया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है सबकी डिजाइन थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती, थोड़ा सा नया होता डिजाइन में, तो यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आपको Netflix एंड चिल करना है तो इसके अंदर वाइड वाइन L3 का सपोर्ट मिलता है। इस सर्टिफिकेशन का मतलब है कि आपको 720p से ऊपर लो क्वालिटी में ही देख सकते हो, लेकिन अगर आपको क्वालिटी दिखाते हैं, ब्राइटनेस फुल पे किया हुआ हम लोगों ने अभी, सो डेफिनेटली क्वालिटी वॉचेबल है, बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है, मैं ये वाली क्वालिटी आराम से देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसका स्पीकर है फॉर द प्राइस पॉइंट बेस्ट स्पीकर, देख लो भाई, सिंगल स्पीकर है, लेकिन स्पीकर में कोई कंजूसी नहीं की है, और मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा इसका स्पीकर। और अगर बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में, रियर साइड में 8 MP कैमरा है, फ्रंट में आपको मिलेगा 5 MP कैमरा। अब आप बोलोगे एक ही कैमरा दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। दूसरा कैमरा जो होता है बस वो नाम का होता है, 2 MP काम कुछ करता नहीं है, इससे अच्छा डिजाइन क्लीन रखा है इसका। कैमरे के बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपल सा कैमरा UI है, थोड़ा थोड़ा लैग भी करता है। आप देखो, अगर मुझको कैप्चर में जाना है, पोर्ट्रेट में जाना है, मोर में जाना है, थोड़े बहुत आपको फीचर्स मिल जाएंगे। टाइम लैप्स है, पैनोरामा है, प्रो मोड के अंदर सारे फीचर्स हैं, ऑटो फोकस, एक्सपोजर, आईओ सारी चीज है यहाँ पे। आज थोड़ा सा क्लाउडी मौसम है दोस्तों, और फोटो ले अगर हम लोग, इसके अंदर HDR भी है तो फोटो ले लेते हैं। और ये आप ब्यूटी फोटोज देख रहे हो, ये है Realme Narzo 50i से इसके रियर कैमरे से शूट कर रहे हैं हम लोग। इसका फोकस भी काफी बैलेंस्ड आउट है, अगर आप देखो तो हल्का सा जूम करते हैं, मैक्सिमम आपको 4x जूम मिलेगा। सो थोड़ी बहुत फोटोज ले लेते हैं, फूल की फोटो, डिफरेंट टाइप के फूल की फोटो, अपकमिंग फूल की फोटो,
थोड़ी हरियाली की भी फोटो ले लेते हैं। इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरा 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। गजब सेल्फी आती है। HDR ऑन कर लेते हैं। अपना फोटो सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब बात करते हैं रंगीनियों की, हरियाली की। एक्चुअल में कैमरे का कलर्स बहुत ज्यादा नेचुरल कैप्चर करता है फॉर द प्राइस पॉइंट। यहाँ पे आपको जो डिटेल्स मिल रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे एक ऑरेंज रोज है और ये एक्चुअल में पिंक वाला रोज है, कलर डिफरेंस आपको दिख जाएगा। और ये वाले फोटो को अगर जूम करते हैं आप देख सकते हो क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन नहीं करता है और फोकस हियर एंड देयर आपको यहाँ पे लॉस होते रहते हैं। तो फोकस और क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, लेकिन कलर्स बहुत ज्यादा नेचुरल हैं और अच्छे कलर्स हैं। HDR के बारे में बात करते हैं। HDR बहुत अच्छा मेंटेन है। आज काफी क्लाउडी मौसम था, क्लाउड्स एंड डायनेमिक रेंज काफी अच्छा मेंटेन किया है। डेफिनेटली भाई ये वाली फोटो बहुत अच्छी लग रही है और पोर्ट्रेट लेते वक्त भी डायनेमिक रेंज अच्छा मेंटेन कर लेता है, कहीं भी वाज्ड आउट नहीं है फोटोज और ये एक बहुत ही बैलेंस आउट फोटोज है। फैशन मॉडल्स की फोटो ली हम लोग ने, इसका कलर काफी अच्छा मेंटेन्ड है, स्किन टोन भी बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है। ये वाली पोर्ट्रेट मोड की फोटो है, ये नॉर्मल मोड की फोटो है और अगेन इसमें भी HDR अच्छा मेंटेन्ड है। ये सारी फोटोज आउटडोर की थी, लाइटिंग कंडीशन अच्छी होती है, लेकिन अगर आप इंडोर में आते हो तो फोटोज काफी एवरेज आने वाली है। इंडोर में क्वालिटी और कलर्स दोनों ही बहुत एवरेज रहेंगे। और सेल्फीज के बारे में बात करते हैं, इसमें HDR उतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है, काफी वाज्ड आउट है, लेकिन स्किन टोन सही मेंटेन हो जाता है, लेकिन काम चल जाएगा सेल्फीज से आपका। लेकिन आउटडोर में इसका डिजाइन डेफिनेटली काफी अच्छा है, लाइन वाइन डांस वांस करती रहती है तो देखने में अच्छा लगता है। और जब भी आप ऐसे आउटडोर में यूज करोगे कान में लगा के, कैसा लग रहा है? तुमसे नहीं पूछ रहे यार, ऑडियंस से पूछ रहे हैं हम लोग, कैसा लग रहा है दोस्तों? एक्चुअल में काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि डिजाइन भी रियलमी अच्छा ही काम करता है। ऐसे तो यूज करोगे आप, लेकिन अगर आप इसको पकड़ते भी हो तो काफी थिक और बॉक्सी डिजाइन वाला फोन है ये। और सबसे अच्छी बात, ये अपने पैरों पे खड़ा भी होता है, बहुत ज्यादा कुशलता पूर्वक काम ये करता है। और जो इसका वेट है 187 grams का आपको वेट मिलेगा, और जब आप इसको यूज करोगे तो भी कोई इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ने वाले। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे दबा भी रहा हूं तो कहीं भी कुछ भी आपको यहां पे प्रेशर फील नहीं हो रहा है, कहीं भी आपको शैलो फील नहीं हो रहा है। तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी बनाई इन्होंने। इतनी सारी फोटोज और परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर यूनिसोसी T612 करके एक प्रोसेसर आता है। रियलमी के बजट फोन्स का ये फेवरेट प्रोसेसर है, फोन अच्छा खासा संभाल लेता है। इसको आप मीडियाटेक G80 के इक्विवेलेंट मान सकते हो और गेमिंग भी उसी के हिसाब से होती है। पबजी न्यू स्टेट डाल रखा है, पबजी गया तो न्यू स्टेट ही बचा है दोस्तों। एक बार इसको भी खेल लेते हैं। गेम के अंदर लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा, एक्सट्रीम, मैक्स सारी सेटिंग्स है, तो एक बार मैक्स सेटिंग्स भी खेलते हैं। काम और ग्राफिक सेटिंग्स दोनों मैक्स होनी चाहिए, देखते हैं झेल पाता है कि नहीं फोन। आप जमीन के अंदर देख सकते हो दुश्मनों को, क्या दुश्मनों के अंदर का दिल देख सकते हो आप। कहाँ मार रहा हूँ मैं? ओ ये रहा, ये रहा, ये रहा, उतना ही बंदा है। कौन मार रहा है, किधर से मार रहा है, क्या हुआ? ओ बहुत ही अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस है हाई सेटिंग्स पे। अभी सेटिंग्स हमने लो कर दिया है, इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे खोपड़ी अच्छे से खोल पाएंगे, हल्का हल्का अभी भी लैग आ रहा है। ओह किसने खोल दिया खोपड़ी? अरे वाह जिता दिया बंदे, देखते भाई वो रहा बंदा है। मार दिया, मार दिया, मार दिया। परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रही गेमिंग में इतनी अच्छी। काफी बजट सेंट्रिक प्रोसेसर है, तो आप इसके ऊपर पबजी जैसे गेम्स ट्राई नहीं कर सकते हो, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आप छोटे मोटे गेम्स सबवे सफर्स, एसफॉल्ट 9, गैंगस्टर टाइप गेम खेलोगे तो आप आराम से गेम खेल सकते हो और इंजॉय कर पाओगे। और जब भी आप गेमिंग करोगे थोड़ा सा हीट होता है। नॉर्मल टास्क के लिए सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट की थी हम लोगों ने, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया, 88% का मैक्स परफॉर्मेंस मिल रहा था आपको। अच्छा फोन है और बिल्कुल भी हीट नहीं होता है और अपने पैरों पे अवश्य खड़ा होता है ये। और अगर बैटरी के बारे में बात करें, 5000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, आराम से आपको 2 दिन निकल जाएगा नॉर्मल यूज पे। और आप गेम वेम करोगे तो भी 1 दिन तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है तो बैटरी भी कंजप्शन कम ही होगा। और इसी के साथ अगर इस वाले फोन को हम लोग करते हैं समराइज, इस वाले फोन की प्राइसिंग अभी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर 8000 rupees के अराउंड आता है तो डेफिनेटली वर्थ फॉर मनी होगा, क्योंकि कैमरा बहुत ही अच्छा है इसका, डिस्प्ले बजट प्राइस के हिसाब से भी काफी सही है और डिजाइन काफी यूनिक सा है, अच्छा एक प्रीमियम फील देने वाला है। और जिसका बेस्ट बाइंग लिंक होगा उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पर आप क्लिक करके खरीदोगे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। और इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।